दिस इज चैप्टर 6.4। आज हम करेंगे कि डेट फॉर डिटरमिनेशन ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी, क्या कि हमने रेट ऑफ ड्यूटी कैसे डिटरमाइन करना है कि कौन सा रेट ऑफ ड्यूटी लगाना है। हाँ हमने, ठीक है, क्योंकि कई आपको कई डेट से अलग अलग रेट ऑफ ड्यूटी दिए होंगे, तो वो आपने डिटरमाइन करना है कि हमारे लिए कौन सा सही है, ठीक है, हमारे केस पे कौन सा लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हमने कस्टम ड्यूटी निकालनी होती है तो हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं, राइट, एक असेसेबल वैल्यू, एक रेट ऑफ ड्यूटी और एक चाहिए होता है इनका रेट ऑफ एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज को मैंने आपको बता दिया था कि हम कौन सा लेते हैं, सीबीआईसी वाला लेते हैं, कि हमें आरबीआई का भी दिया होता है बट हमने कौन सा लेना होता है जो सीबीआईसी का दिया होता है। और एक चीज इसमें ये होती है कि हमने वो वाली लेनी होती है रेट ऑफ एक्सचेंज कि जब हमारी क्लियरेंस हो रही हो पोर्ट से, चाहे वो वेयर हाउस के लिए हो रही हो क्लियरेंस से या फिर हो रही हो फॉर्म कंजप्शन के लिए, तो हमें जब हमारी क्लियरेंस हो रही है पोर्ट से, कस्टम पोर्ट से, वो वाला हमने रेट ऑफ एक्सचेंज ले लेना है, ठीक है। तो क्या लेना है, डेट ऑन विच बिल ऑफ एंट्री इज फाइल फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम पार्ट फ्रॉम पोर्ट टू आइदर फॉर होम कंजप्शन और वेयर हाउस, ठीक है। असेसेबल वैल्यू आप सबको निकालनी आ गई है सेक्शन नंबर 14 में, जो भी हमने रूल्स पढ़े हैं, कंडीशंस पढ़ी हैं। रेट ऑफ ड्यूटी अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने इसे डिटरमाइन करना होता है। जब मैंने ये स्टार्ट किया था चैप्टर, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि एक डायरेक्ट क्लियरेंस होती है, ठीक है, एक होती है इनडायरेक्ट क्लियरेंस, ठीक है। डायरेक्ट क्लियरेंस में क्या होता है कि पोर्ट से सीधा हमारा माल कहाँ पे जाता है, होम कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, पोर्ट से पहले जाता है वेयर हाउस में, फिर हमारा जाता है होम कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। डायरेक्ट क्लियरेंस में हम क्या फाइल करते हैं, बिल ऑफ एंट्री इन व्हाइट कलर, ठीक है, व्हाइट कलर में। तो इस टाइम पे हमारा आरओडी क्या होगा, आरओडी प्रिवेलिंग ऑन द डे ऑफ फाइलिंग फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री फॉर हाउस कंजप्शन होम कंजप्शन शैल बी कंसीडर, कि जब हमने बिल ऑफ एंट्री होम कंजप्शन के लिए फाइल किया, जो उस दिन हमारी आरओडी होगी, रेट ऑफ ड्यूटी होगी, वही हम कंसीडर कर लेंगे, क्लियर। सेकंड केस में वो क्या कह रहे हैं, इसमें हम दो बिल ऑफ एंट्री फाइल होती हैं हमारी, ठीक है, एक होती है इनटू बिल ऑफ एंट्री इनटू बॉन्ड, जो कि हमारी होती है येलो कलर, ठीक है। और जब वेयर हाउस से होम कंस्ट्रक्शन जाना होता है, फिर हमने एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी होती है, जो कि हमारी होती है ग्रीन कलर की। तो इस टाइम पे भी वो कहते हैं आरओडी हमने वो लेनी है जब हम वेयर हाउस से होम कंस्ट्रक्शन के लिए बिल एंट्री फाइल करेंगे, ठीक है। तो आरओडी प्रिवेलिंग ऑन द डे ऑफ फाइलिंग बीओई फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस शैल बी कंसीडर,
ठीक है, जब हम बिल ऑफ एंट्री कब फाइल करेंगे, वेयर हाउस से होम कंजप्शन के लिए फाइल करेंगे, तभी हम वो वाली एंट्री ले लेंगे। ठीक है क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? अब एक और नोट पढ़िए, नोट लिखिए। नोट ये है कि अगर हमने बिल ऑफ एंट्री जो फाइल की है वो अराइवल के पहले ही फाइल कर दी, कि अभी हमारा वेस्टल या एयरक्राफ्ट या व्हीकल अभी पहुंचा नहीं है, पर हमने पहले ही अपनी एंट्री क्या बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी, तब कौन सी डेट लेनी है? ठीक है, तो बिल ऑफ एंट्री फाइल बिफोर अराइवल, बिफोर अराइवल है तो हमने आरओडी प्रिवेलिंग, ऑन द डेट ऑफ अराइवल, जब हमारी अराइवल पे जो फिर आरओडी होगी वो हमने आरओडी कंसीडर कर लेनी है। आए सारे केसेस समझ? पहले मैंने बताया कि आरओई हमने कौन सा लेना है, सीबीआईसी वाला लेना है, और जब हमारी क्या हो रही हो, क्लियरेंस हो रही हो, चाहे वो फिर वेयर हाउस के लिए है या होम कंजप्शन के लिए है, हमने आरओई वही लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने कहा कि डायरेक्ट क्लियरेंस होती है और एक क्या होती है, इनडायरेक्ट क्लियरेंस होती है। तो जब हम बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे दोनों केसेस में, होम कंजप्शन के लिए हमने उस दिन की आरओडी ले लेनी है। फिर मैंने कहा कि जब अगर हमने जो बिल ऑफ एंट्री है कब फाइल किया हो, बिफोर द अराइवल, ठीक है, बिफोर द अराइवल, तो जो हमारी अराइवल वाले दिन आरओडी होगी वो हमने कंसीडर कर लेनी है। अब मैं आपको केसेस देती हूँ, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, क्लियर है ये सब जितना भी मैंने समझाया? केस वन देखिए, अराइवल डेट आरोप, ठीक है, अराइवल मेरा हुआ था 10 सितंबर 22 को, उस दिन आरओडी थी मेरी 10%, ठीक है, और बिल ऑफ एंट्री मैंने फाइल किया, ठीक है, पोर्ट से वेयर हाउस के लिए, एंड देन बिल ऑफ एंट्री फिर मैंने फाइल किया वेयर हाउस से होम कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, कब फाइल किया? 11 सितंबर को, और सेकंड बिल ऑफ एंट्री मैंने फाइल किया 12 अक्टूबर को, दोनों पे रेट था 11% एंड 9%। ठीक है, तो ये अब मेरे को ये पहले केस बताइए, ये कौन सा केस है? इज इट डायरेक्ट क्लियरेंस और इनडायरेक्ट क्लियरेंस? इनडायरेक्ट क्लियरेंस, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे दो बिल ऑफ एंट्री फाइल हो रही है। ठीक है, तो बताइए कि कौन सा आरओडी होगा हमारा? हाँ, 9%, राइट। क्लियर, अब सेकंड केस लीजिए। सेकंड केस में अराइवल मेरा हो रहा है डेट आर, ठीक है, डेट मेरी है 10 सितंबर ही लीजिए, ठीक है, और बिल ऑफ एंट्री मैंने फाइल की है फ्रॉम पोर्ट टू होम कंजप्शन, ठीक है, एंड दैट इज 11 सितंबर, ठीक है, और इन डेट पे आरओडी है 10% एंड 12%, तो कौन सी आरओडी आएगी? 12%। क्लियर, इजी है। अब एक केस लीजिए, एक और, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आपको एनालाइज करना होगा, समझना होगा। डेट है, आरओडी है, ठीक है, अराइवल मेरा हुआ है 10 सितंबर 22 को, ठीक है, और बिल ऑफ एंट्री मैंने फाइल कर दिया 14 अगस्त 22 को, आरओडी है 10% एंड 9%, तो कौन सा आरओडी होगा मेरा? 10%। क्यों? क्योंकि बिल ऑफ एंट्री मैंने कब फाइल कर दिया? अराइवल से पहले ही, तो जो मेरा अराइवल पे डेट हो आरओडी होगा वही मैं कंसीडर करूंगी। ठीक है, अब एक और देखिए एग्जांपल, मिस्टर एक्स हैं,
इन्होंने इंपोर्ट किए गुड्स फ्रॉम यूएसए, ठीक है, उसकी असेसेबल वैल्यू है $40,000। हमने क्या निकालनी है, इसकी ड्यूटी टेबल निकालनी है। कंप्यूट द ड्यूटी पेबल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। डेट आरओडी, आरओई, आरओई किस किस का दिया होगा, सीबीआईसी और आरबीआई का, ठीक है। अराइवल मेरा हुआ है 10 सितंबर को, आरओडी है 10%, सीबीआईसी का रेट है ₹70 एंड ₹71। बिल ऑफ एंट्री मैंने फाइल किया है पहले पोर्ट से वेयर हाउस के लिए, ठीक है। तो ये है 11 सितंबर को, 11%, 69 70। नेक्स्ट मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया है फ्रॉम वेयर हाउस टू होम कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो 10 सितंबर को, सॉरी अक्टूबर को, एंड 12%, 65 एंड 66। तो बताइए कितनी ड्यूटी होगी। पहले बताइए आरओडी क्या होगी मेरी। हाँ बोलो, 12%, क्योंकि बिल ऑफ एंट्री में क्या फाइल कर रही हूँ, कब फाइल कर रही हूँ, 10 अक्टूबर को वेयर हाउस से जब होम कंस्ट्रक्शन के लिए, हमने बिल ऑफ एंट्री की तो वही डेट, आरओडी की तो वही डेट देखनी है, ठीक है। रेट ऑफ एक्सचेंज बताइए कब लूंगी, कौन सा लूंगी मैं, 69, यस, क्योंकि मेरी क्लियरेंस पोर्ट से कब हो रही है, जब मैं वेयर हाउस के लिए ले रही हूँ, ठीक है। तो उस दिन मेरी क्या है, 69, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 40,000 इंटू 12% इंटू 69 रुपीज, ठीक है, कस्टम ड्यूटी आ जाएगी, तो दैट इज 3,31,200, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक है, उसमें आपकी असेसेबल वैल्यू है 50,000 की, आपने खुद सॉल्व करना है, $50,000, सॉरी, ठीक है। डेट है, आरओडी है एंड रेट ऑफ एक्सचेंज है एज पर सीबीआईसी एंड आरबीआई, ठीक है। तो अराइवल मेरा हो रहा है 10 सितंबर को ही, 10% रेट है और 70 एंड 71 इज द रेट ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एंट्री में फाइल कर रही हूँ पोर्ट से होम कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, 14 अगस्त को, ठीक है। तो 9% एंड 68 एंड 69, तो बताइए क्या रेट और क्या मेरी ड्यूटी होगी इसमें, कैलकुलेट कीजिए बताइए। $50,000 असेसेबल वैल्यू इंटू रेट ऑफ ड्यूटी इंटू रेट ऑफ एक्सचेंज, तो 50,000 इंटू रेट ऑफ ड्यूटी, बताइए क्या होगा। अब ये कौन सा केस है, बिफोर अराइवल का, ठीक है, अराइवल से पहले ही हमने क्या कर दी, बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी, तो रेट ऑफ ड्यूटी हम कौन सा लेंगे, यस 10%, और प्राइस कौन सा लेंगे, 68, यस, कि जब हमारी क्या हो रही है, क्लियरेंस हो रही है, तो कितना आंसर आया, 3,40,000 आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक, यहाँ पे आपका कस्टम होता है खत्म, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, ठीक है।